दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गाजर का हलवा बनाने का जो परफेक्ट तरीका होता है वो आपने पहले ट्राई किया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको हलवे के माध्यम से गाजर का हलवा क्वांटिटी में कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं और ये खाने के लिए स्वादिष्ट भी होता है, साथ ही साथ ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गाजर का हलवा हम बनाने जा रहे हैं आज और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लगभग 15 किलो हमने गाजर लिए हैं और गाजर को धोया, साफ किया और यहाँ पर छिलका निकाला जा रहा है, ये देखिए। तो गाजर को पूरा साफ करके यहाँ पर हम रखेंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब गाजर को छील कर पूरा देखिए कद्दूकस किया जा रहा है, ये देखिए पूरा वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने गाजर को पूरा कैरेट को जो है क्रश करके ले लिया है एकदम बढ़िया कद्दूकस, ये देखिए पूरी 15 किलो गाजर है यहाँ पर। तो अभी हम शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। ये जो कढ़ाई है दोस्तों मोटे तले की है ताकि हमारा जो हलवा बनेगा ना अच्छी तरीके से पकेगा और कढ़ाई को नीचे से वो लगेगा नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे दूध, यहाँ पर ये 10 लीटर दूध, तो दूध के अंदर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो कढ़ाई के अंदर दूध को पहले डाला जा रहा है और आज हमारा गाजर का हलवा बनाने वाले मास्टर आदरणीय हलवाई साहब महेश जी, तो पिछले 2-4 वीडियो में आपने देखा है दूध अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, एक उबाल भी आ गया है और इसको अभी हम एक बार और उबाल आने देंगे, उसके बाद में क्रश किया हुआ गाजर इसके अंदर ऐड करेंगे। दूध अच्छे से उबल रहा है देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर। तो ये देखिए हल्के हाथों से यहाँ पर गाजर ऐड की जा रही है और पलटे से इसको कंटिन्यू चलाते रहना है और गाजर को ऐड करते रहना है। देख सकते हैं पूरी गाजर को जो है दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको धीमी आंच पर इसको अच्छी तरीके से दूध के अंदर पकाएंगे। हलवाई साहब आप बोलिए थोड़ा इसके भाई, इसको कितनी देर तक पकाएंगे तब तक ये बनेगा? कम से कम मीडियम आंच में 15-20 मिनट चलाना पड़ेगा दूध में। अच्छा, उसके बाद में दूध जब इसके अंदर मिल जाएगा उसके बाद में हम इसमें चीनी डालेंगे, लगभग चीनी 4 किलो आएगी इसमें। हाँ, और उसके बाद में 2 किलो खोया डालेंगे, ऊपर से 1 किलो घी भी डालेंगे। तो इस बार हमने जो है इसको डायरेक्ट दूध में पकाया है। पहले क्या होता था, मतलब कभी कभी इसको पहले घी में पकाते हैं फिर दूध ऐड करते हैं, लेकिन आज इसका एकदम डिफरेंट ऑपोजिट साइड से हमने काम किया है। तो आप इस तरीके से भी इसको बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हैं। इस तरह करने से क्या, जो गाजर की वो खुशबू होती है ना, थोड़ा कड़ापन है वो निकल जाता है। अच्छा, ये बाफ में चला जाता है, उसका कड़ापन अच्छी तरीके से दूध में इसको पकने देते हैं, यानी कि जो पूरा दूध है वो अच्छी तरीके से गाजर के अंदर मिल जाएगा, यानी वो गाढ़ा हो जाएगा, एक प्रकार से इसका खोआ बन जाएगा। तब तक इसको हमें जो है हिलाना पड़ेगा, चलाते रहना है। उसके बाद में इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे तो वो कंटिन्यू आपको आगे से आगे हम दिखाते रहेंगे। तो देखिए गाजर का हलवा दूध के अंदर अच्छी तरीके से पक रहा है, देखिए जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ये अच्छी तरीके से पकता जा रहा है। यहाँ पर भी गाजर का हलवा जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जो पूरा दूध है वो इसके अंदर सोख गया है, पूरा एकदम मिक्स हो चुका है, अच्छे से खवा जैसा खवा बन गया है। और अभी देख सकते हैं दोस्तों लगभग ये हलवा हमारा बनने की स्टेज पर है। अब हम इसके अंदर और भी 2-4 चीज़ें अलग अलग ऐड करेंगे वो आपको बताएंगे। तो इसको इतना गाढ़ा होने तक दूध में पकाना है। अभी देख सकते हैं गाजर दूध के अंदर अच्छे से पक गई है, ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी, शक्कर, वो अभी करेंगे जब बताएंगे। तो गाजर अच्छे से पक गई, अब इसके अंदर ऐड हो रही है चीनी। तो हम लोग यहाँ पर 4 किलो शक्कर ले रहे हैं, बाकी मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं।
शक्कर ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए हलवा जो है वापस गीला हो चुका है, लूज हो गया है। धीरे धीरे शक्कर वापस पकेगी तो वापस उसी स्टेज पे आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर फीका खोआ लिया हमने, 2 किलो फीका खोआ इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। और इसको कंटिन्यू हमें मिक्स करते रहना है। पलटे से हलवा को कंटिन्यू चलाते रहे, नहीं तो तले से चिपक सकता है, क्योंकि गैस की स्टोव जो फ्लेम है वो मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पर है। एकदम रेडी हो चुका है हमारा हलवा। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे इलायची पाउडर और घी, उसके बाद में ये फाइनली तैयार। अब यहाँ पर देखिए इलायची पाउडर ऐड किया जा रहा है। इलायची पाउडर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर और स्वाद भी। तो अब देखिए यहाँ पर घी ऐड हो रहा है, आधा किलो घी यहाँ पर गाजर के हलवे के अंदर ऊपर से एकदम डाला जा रहा है। अब इसको मिक्स किया जा रहा है। देखिए अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो घी की मात्रा आपको बहुत ही कम ही लगेगी और बहुत ही शानदार स्वादिष्ट आपका गाजर का हलवा बनकर तैयार। ऊपर देखिए गाजर का हलवा तैयार। अब इसके ऊपर काजू डालकर इसकी गार्निशिंग की जा रही है। तो ऐसे बनता है दोस्तों गाजर का हलवा, बहुत ही शानदार सरल तरीके से मैंने बताया। और पूरा 15 किलो माल हमने लाया था तो उससे बहुत सारा यहाँ पर काजू का हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। गाजर का हलवा एकदम रेडी हो चुका है, जिसमें 15 किलो हमने गाजर ली थी और बाकी का जैसे खोआ है, घी है, दूध है, शक्कर सब मिलाकर इससे इसका जो वजन है टोटल 20 और 20 के आसपास बना है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार बना है, आप लोग इस तरीके से ज़रूर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। स्वाद से भरपूर स्वादिष्ट गाजर का हलवा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपका कमेंट मुझे ज़रूर शेयर करना। ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए राइडर पटेल चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।